मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में एक मंदबुद्धि व्यक्ति ने जे नरम रोडवेज बस के शीशे में पत्थर मारकर फोड़ दिया। हम आपको बता दें कि जे नरम रोडवेज बस रोजाना की भांति मथुरा से सवारी लेकर बाजना जा रही थी, तभी शेरगढ़ कस्बे के निकलते ही यमुना पुल के पास एक व्यक्ति ने बस के आगे के शीशे पर पत्थर मार दिया और शीशा फूट गया। कांच के टुकड़े ड्राइवर के हाथ में लगने से ड्राइवर घायल हो गया। उसने जैसे तैसे बस को संभाला और उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। बस ड्राइवर ने बताया कि बस में पत्थर मारने की शिकायत तत्काल डायल 100 पर सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन वो व्यक्ति पागल निकला, जिसकी तहरीर थाने में दे दी गई है। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? ये आपके साथ में ऐसा जो हादसा हुआ, क्या हादसा हुआ और ये कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है? ये मैं मथुरा से गाड़ी लेके चल रहा था रोड पे, और ये यमुना पुल से आगे शेरगढ़ पे जब क्रॉस होते हैं वहाँ पे एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति खड़ा था, उसने शीशे पे पत्थर मार दिया, मेरी मुंडी में लग गई है, और सवारी बैठी थी गाड़ी में जो बच गए, और वो उस गाड़ी को रोका तो वो भाग गया था यहाँ से। तो आपने इसके बारे में FIR दर्ज किया? FIR मैंने 100 नंबर पे कॉल की और 100 नंबर वाले आए थे, तुरंत वो गए वहाँ पे, तो वो बोल रहे थे कि वो व्यक्ति पागल है, और इस वजह से मैं यहाँ थाना में दे करके आया हूँ।